तो आज हमारा टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियां। हमने पीछे की क्लास में यह अध्ययन किया है कि मूल राशि क्या होती है और उनके मात्रक क्या होते हैं। सात मूल राशि होती है, उनके मात्रक के बारे में बहुत अच्छे से हमने स्टडी किया है पीछे के लेक्चर में। आज हम कुछ ऐसी राशियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमने बनाई, और किन से बनाई, वे जो सात मूल राशियां थी ना, उन सात मूल राशियों से हमने कुछ राशि बना बना करके रखी हुई है, उनको हम कहते हैं उत्पन्न राशि। मूल राशि से उत्पन्न हुई राशियों को वो उत्पन्न राशि कहते हैं, क्योंकि जो भी सात मूल राशि है ना हमारी, उन सात मूल राशि से हमारी पूरी फिजिक्स बनी हुई है। तो उनसे हम नई नई राशि बनाते हैं और उन बनी हुई राशि को हम वो उत्पन्न राशि कहते हैं। तो वे राशि जो मूल राशि से उत्पन्न होती है उनको हम क्या कहते हैं, उत्पन्न राशि कहते हैं, और उनके मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल की अगर हम बात करें आयतन, तो आयतन को हमें बनाने के लिए तीन मूल राशि लगती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, भाई फर्क यही तो है। अभी ऐसे ही लंबाई है, ऐसे कर दोगे तो चौड़ाई बोलोगे और ऐसे कर दोगे तो इसको ऊंचाई बोलोगे, लेकिन एक्चुअल में है तो ये लंबाई, आप इसे ऐसे लंबाई बोल रहे हो, ऐसे ऊंचाई बोल रहे हो, तो ये तीन लंबाई से मिलकर के आपका आयतन बनता है। इसलिए आयतन को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे, और इससे जो इसका जो मात्रक बनेगा उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। मात्रक कैसे बनाएंगे, इसका मात्रक रखो, इसका मात्रक रखो, इसका मात्रक रखो, तो ये मीटर 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 ये आपका मीटर क्यूब हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा एग्जाम्पल घनत्व, घनत्व भी एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये दो मूल राशि से मिलकर के बना हुआ है, द्रव्यमान और आयतन। घनत्व को बनाने के लिए दो राशि लगती है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसको भी क्या कहेंगे, ये भी व्युत्पन्न राशि होगी। और इसका मात्रक अगर हम बनाएं तो ऊपर द्रव्यमान का मात्रक रखे, आयतन का मात्रक अभी हमने पढ़ा है, ये रहा मीटर, तो इसका आयतन का मात्रक ये रहा, तो इसका मात्रक क्या बना, घनत्व का किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ये इसका मात्रक बन चुका है। ऐसे ही चाल, चाल भी एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि चाल को बनाने के लिए दूरी और समय लगता है, तो दूरी और समय के अनुपात से चाल बनती है, इसलिए इसको भी क्या कहें हम, व्युत्पन्न राशि। और इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो दूरी का मात्रक रखें, दूरी क्या है, एक तरीके से लंबाई ही है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो हमने दूरी का मात्रक यहाँ पे मीटर रखा, समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो इसका मात्रक बन चुका है मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, हम आगे चैप्टर में जैसे आगे आगे बढ़ेंगे हम पता चल जाएगा कि त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, सब मूल राशि के बारे में स्टडी करेंगे, सारी व्युत्पन्न राशि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये त्वरण, त्वरण आपका बनता है वेग और समय से, वेग एक्चुअल में चाल ही होती है, तो अभी हम चाल ही समझते हैं कि वेग को हम चाल ही कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है वो आगे देखेंगे। तो वेग का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, तो वही वेग का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड की पावर दो हो जाएगी, तो मात्रक बनता है, त्वरण का मात्रक बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही और भी बहुत सारी व्युत्पन्न राशि है, यहाँ पर सभी को लिखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप इनका कंसेप्ट समझ गए कि वे राशि जो मूल राशि से बनती है उनको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल है, बल भी एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इसको बनाने के लिए दो राशि की जरूरत पड़ती है, द्रव्यमान और त्वरण, तो ये भी एक आपका व्युत्पन्न राशि है, और इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। अब ये इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने अब मूल राशि के मात्रक के बारे में भी अध्ययन कर लिया है, और जो व्युत्पन्न राशि होती है उनके मात्रक कैसे बनते हैं उसके बारे में भी अध्ययन कर लिया है। कुछ मात्रक और होते हैं जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं, हमारे व्यवहार में यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिस यूनिट, यानी कि प्रैक्टिस में आने वाली, हमारे व्यवहार में आने वाली यूनिट। जैसे कि लीटर, ये जो लीटर है ये हमारा एसआई मात्रकों से बिल्कुल अलग है। ऐसे ही कुंटल होता है, किलोमीटर होता है, मील होता है, गज होता है, ये हमारे व्यवहार में आने वाली कुछ यूनिट्स है। अब हम इनके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं कि ये व्यवहार में आने वाली यूनिट्स कैसी होती है और इनका एसआई मात्रकों से क्या संबंध होता है, तो उसको अब हम समझते हैं। अब आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, इसकी नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम समझते हैं महत्वपूर्ण व्यावहारिक मात्रक, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले मात्रक है, उनको हम समझते हैं कि वे कौन कौन से मात्रक होते हैं। हमारे कल्चर में और भी यूनिट चल रही थी, और वे जो यूनिट्स थी वे हमारी एसआई यूनिट से बिल्कुल अलग हट करके थी। जैसे जैसे कि हमने हम दूध लेते हैं, डेली दूध लेते हैं, तो दूध लेने के लिए हमें एक लीटर लगता है,
और लीटर, एक लीटर आप जानते हो कि उसमें इतना दूध आ जाता है, और अगर हम उसको एसआई में कन्वर्ट करें तो एक डिब्बा बनाए, क्योंकि एसआई, क्योंकि हमने आयतन का जो मात्रक बना रखा है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब बना रखा है कि इतनी लंबाई का, इतनी चौड़ाई का और इतनी गहराई का जो आपका एक डब्बा बनेगा और उसमें जो दूध आएगा उसको हम 1 लीटर कहेंगे, ये इतना दूध होगा उसको 1 लीटर कहेंगे। अब हम किसी दूधिया को ये बोलने लग जाए कि हमें 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब दूध दे दीजिए, तो वो उसके समझ में नहीं आएगा कि 1 मीटर क्यूब दूध कितना, ये क्या कह रहा है। तो दूध, तो दूध वाले को लीटर समझ में आता है, 1 मीटर क्यूब समझ में नहीं आता। हालांकि 1 मीटर क्यूब हमारी एसआई यूनिट्स है, हमारी एसआई यूनिट्स है, लेकिन जो लीटर क्यूब है वो एसआई यूनिट्स नहीं है। इसी तरह से जैसे अपनी बुग्गी में गन्ने भर करके मील पर लेकर के जाते हो, और वहां पर जाकर के अगर हम इस तरह से बताएं या वो कोई हमें इस तरह से बताए कि आपके गन्ने 2127 किलो हुए हैं, फिर दूसरा वाले को कहे कि आपके गन्ने 2125 किलो हुए हैं, तो ये ना, ये एक थोड़ा सा बड़ा हो गया और हमें ज़्यादा नंबर बोलने पड़ रहे हैं, तो हमारी ये समझ में नहीं आता। अगर मैं किसान को इस तरीके से कहूँगा कि आपके गन्ने 2 क्विंटल है, आपके गन्ने 3 क्विंटल हुए हैं, तो हमारी समझ में फिर आसानी से समझ में आने लग जाता है कि किसकी बुग्गी में गन्ने ज़्यादा है, किसकी बुग्गी में गन्ने कम है। हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम 2 क्विंटल यूज कर रहे हैं, और पहले नंबर यूज कर रहे थे 2175, 2127, तो ये नंबर्स आपको समझने में प्रॉब्लम कर रहे थे, जो कि एक किसान है उसको समझने में प्रॉब्लम कर रहे थे। तो हमने ना फिर ना एक नई यूनिट्स बना दी कि ना हम ना 1000 किलो को एक, हम ना 100 किलो को 1 क्विंटल कहा करेंगे, तो हमने 100 किलो का एक यूनिट्स बना दिया, नया यूनिट्स बना दिया, जिसको हम कहने लगे 1 क्विंटल। तो ऐसे हमने यूनिट्स बनाए हैं, और ये हमारी इजी यूनिट्स है, ये हमारी समझ में भी आती है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम दूरी को नापते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दूरी नापनी रहती है, मान लीजिए मुझे यहाँ से अपनी पृथ्वी से और मंगल तक की दूरी नापनी है, तो मंगल तक की दूरी अगर मैं मीटर में नापूंगा तो आपको मीटर में आंसर दूंगा कि 506,702 मीटर दूर है। तो ये थोड़ा एक डिफ़िकल्ट नंबर्स हो जाएगा, और ये समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है, 502,402.1 किलोमीटर है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देखिए यहाँ से मंगल जितना दूर पृथ्वी है उससे 2 गुना दूरी पर है, तो ये अब हमारी समझ में आता है कि भाई सूर्य से पृथ्वी जितना दूर है उससे 2 गुना चलो तो मंगल आ जाएगा। तो हमने अपनी यूनिट्स को थोड़ा और आसान कर दिया, तो हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बनाई, खगोलीय मात्रक बनाए, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह है उनकी दूरी नापने के लिए हमने एक नई यूनिट्स बनाई, और उस यूनिट्स को हम कहते हैं खगोलीय मात्रक। तो ये खगोलीय मात्रक क्या, कैसे बनाया हमने कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से सूरज तक की दूरी को हम एक यूनिट्स बोला करेंगे, वन मात्रक, एक मात्रक बोला करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सूरज कितनी दूर है, एक मात्रक दूर, एक खगोलीय मात्रक दूर। अब किसी ने पूछा मंगल बताइए कितना दूर है, तो मैंने कहा कि यहाँ से मंगल 2 मात्रक दूर है, 2 खगोलीय मात्रक दूर है, तो उसकी समझ में आ जाता है कि यहाँ से पृथ्वी की तुलना में कि यहाँ से, तो उसकी समझ में आसानी से आ जाता है कि जितनी दूर सूरज से पृथ्वी है उससे 2 गुना दूरी चलनी पड़ेगी तब जा करके आपका मंगल आ जाएगा 2 मात्रक। ऐसे किसी ने कहा बताइए बृहस्पति कितनी दूर है, तो मैंने कहा 3 है। तो मैं ना एक नंबर, बहुत इजी नंबर दे रहा हूँ, 3, 2, 5, 6, ऐसा नहीं बोल रहा मैं 10,05,600,802.1 किलोमीटर। तो ये नंबर हमें कन्फ्यूज करते हैं। तो हमारे व्यवहार में ये यूनिट्स पहले से ही चल रही थी, और कुछ यूनिट्स हमने बनाई भी है जो ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो, हमने ऐसी चीज़ें बनाई भी है। सबसे पहले लेते हैं किलोमीटर। किलोमीटर क्या होता है, तो किलोमीटर जब 1000 मीटर दूरी हो जाएगी उसको हमने एक यूनिट बना दिया कि 1000 मीटर दूर को एक यूनिट कहा करेंगे, तो ये किलोमीटर हमारी समझ में आता है कि 1000 मीटर करिए और उसको हम 1 किलोमीटर कहेंगे। ऐसे ही खगोलीय मात्रक होता है, जो खगोलीय मात्रक होता है उसको हमने कैसे बनाई कि सूरज से पृथ्वी तक की जो बीच की दूरी है उसको हमने एक यूनिट बना दिया, और वो भी कितनी, कैसी दूरी ली है आपने, मध्य दूरी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सन यहाँ पर है, ये अगर सन है
और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, तो अब बताइए कौन सी दूरी लेंगे। पृथ्वी यहाँ पर है, यहाँ की दूरी अलग है, यहाँ से दूरी अलग है, यहाँ से दूरी अलग है, यहाँ की दूरी अलग है, यहाँ की दूरी अलग है। तो हमने ना इन सब दूरियों का माध्य निकाला और जो माध्य दूरी बैठी उसको हमने एक यूनिट कहा। तो इसलिए हमने अपनी डेफिनेशन में माध्य दूरी यूज किया है, है ना। तो माध्य दूरी सूरज से पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को हम एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। अब एक खगोलीय मात्रक का मीटर से क्या रिलेशन होता है। एक खगोलीय मात्रक अगर हम मीटर में कन्वर्ट करके देखें तो वो कितना बड़ा आएगा उसको हम समझना चाहते हैं। तो उसको लिख लेते हैं हम। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बराबर होता है 1. तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में इतने मीटर होते हैं, 1.4960 × 10^11, और इसको हमने अप्रोक्सीमेटली याद रखना चाहते हैं। तो हमने इसको हटा करके यहाँ से ये तीन नंबर हटा करके 1.45 को लगभग 1.5 रख लिया, 1.5 × 10^11 मीटर। ये हम नंबर याद रखेंगे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में इतने मीटर होते हैं। तो ये जो दूरी है ये सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी है, इसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं। तो हमने एक यूनिट और बनाई, ठीक है, जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है यानी कि खगोलीय मात्रक है। ये खगोलीय मात्रक हमारा सिर्फ और सिर्फ काम आता है ग्रहों की दूरी को नापने के लिए, क्योंकि ग्रह हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे मंगल बताइए कितनी दूर है, तो हमने कहा 2 AU। बताइए बृहस्पति कितना है, 3 AU। तो इस तरीके से हम इनको नाप लेते हैं, AU में नाप लेते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में हम इनको नाप लेते हैं। लेकिन जब हमारी रिसर्च और ज़्यादा बढ़ी, जब हम सितारों की दूरी को नापने लगे, सितारे हमसे बहुत दूर होते हैं, मंगल से तो बहुत दूर है, तो उन दूरी को नापने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट्स हैं वो छोटी पड़ने लगी। तो हमने फिर ना एक दूसरी यूनिट्स बनाई और उस दूसरी यूनिट्स को हम कहते हैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, जैसे यहाँ से हमने ये सोर्स है हमारे पास, इस सोर्स से हमने यहाँ से लाइट को जला दिया, लाइट को कहा चलो, यहाँ से एक सेकंड बाद ये कुछ दूरी तय कर लेगी, फिर दूसरी सेकंड आएगी कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेगी, 3 सेकंड बाद भी कुछ दूरी तय कर लेगी। तो ऐसे हमने लाइट को कहा, लाइट को एक साल जला करके छोड़ दिया। अब एक साल जला करके जब हम छोड़ देंगे तो ये लाइट कुछ ना कुछ दूरी तय कर चुकी होगी एक साल के भीतर। अब ये जो दूरी तय करेगी एक साल के भीतर, इसी दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश एक साल में जितनी दूर जाएगा उस दूरी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम बहुत आसानी से कि प्रकाश एक साल में जितनी दूर चलता है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये रही आपकी डेफिनेशन। अब हम समझना चाहते हैं कि एक प्रकाश में कितने मीटर बनते हैं। तो एक प्रकाश में मीटर बनाने बहुत आसान है, कितनी तो प्रकाश ये, क्योंकि प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष अपने आप में एक दूरी है, और दूरी का फॉर्मूला आप जानते हो, दूरी निकालना फॉर्मूला आप जानते हो, दूरी बराबर क्या होता है, 4 × समय। समय कितना लिया है प्रकाश ने चलने में, समय लिया है एक साल। और चाल कितनी होती है प्रकाश की, ये हम प्रकाश की चाल पढ़ करके आए हैं, क्लास 10th में भी थे, 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है, और एक साल। अब एक साल में कितनी सेकंड होती है उसको लिख लेते हैं हम, 3 × 10^8, और एक साल में सेकंड कितनी होगी, पहले तो ये पता करो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, और 365 में कितने घंटे होते हैं, 24, और 24 घंटे में कितने मिनट होती है, 60, और 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है, ये होगी 60 सेकंड। तो ये इस तरीके से ये एक साल में एक साल की कुल सेकंड है। तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक नंबर आएगा, और ये नंबर होगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये नंबर आता है 9.46 × 10^15 मीटर। यानी कि एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर होते हैं, और ये किस लिए यूज करते हैं हम, सितारों की दूरी नापने के लिए। तो सितारों की दूरी नापने के लिए आपको क्या लगेगा, प्रकाश वर्ष, और ग्रहों की दूरी नापने के लिए आपको लगेगा खगोलीय मात्रक। और प्रकाश वर्ष बहुत बड़ा मात्रक होता है ये, यानी कि लाइट को एक साल चला करके छोड़ दीजिए, अब जितनी दूर वो जाएगी वो आपकी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। जैसे हमें आज जो सितारा दिख रहा है, हमें जो आज स्टार दिख रहा है, उससे जो लाइट आ रही है,
जैसे एक स्टार हमारे से 2 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टार आज हमें दिख रहा है उससे आने वाली जो लाइट है वो 2 साल पहले चल चुकी थी, तब जा कर के हमारी आंखों में उसकी लाइट आ रही है। जैसे एक एग्जांपल और समझिए, जैसे एक स्टार हमारे से 20 प्रकाश वर्ष दूर है, तो वो सितारा हमें 20 साल बाद दिखेगा, उससे निकलने वाली जो लाइट होगी वो 20 साल बाद हमारी आंखों में आएगी और तब जा करके वो सितारा हमें दिखाई देगा। तो ये होता है प्रकाश वर्ष। तो ये लंबाई के है ना, हम बड़े मात्रक पढ़ रहे हैं, लंबाई के हमने बड़े मात्रक यहाँ से स्टार्ट किए हैं किलोमीटर से, फिर खगोलीय मात्रक, और खगोलीय मात्रक से भी बड़ा होता है आपका प्रकाश वर्ष। अब इससे भी बड़ा मात्रक जो होता है हमारा वो पार्सेक होता है। वो पार्सेक को समझते हैं कि पार्सेक हमारा होता क्या है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक हमने अभी पढ़ा है कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक होता है उस जो दूसरी और कंट्रीज में और भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे, तो उन्होंने दूरी का एक बड़ा मात्रक बनाया जिसको हम कहते हैं पारसेक। इंग्लिश में इसको हम पारसेक यानी कि पार सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड, ये सेकंड समय वाला सेकंड नहीं है, ये सेकंड दूसरा है, एंगल का सेकंड है ये। देखिए कैसे, जैसे हम जानते हैं कि हमने ये एक लाइन यहाँ पे ऐसे बनाई और इस लाइन को बना करके हमने ये यहाँ से एक सर्कल बनाया, ये एक वृत्त बनाया, तो ये कितना कोण बनता है, ये हम जानते हैं कि ये जो कोण बनता है एक वृत्त पूरा जो कोण बनाता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब इस 360 डिग्री के अगर मैं 60 हिस्से करूँगा तो ये मुझे इस तरीके से मिलेंगे, 60 हिस्से कर दीजिए आप इसके ऐसे, तो एक हिस्सा जो कहलाएगा वो आपका 1 डिग्री कहलाएगा। अब इसको मैंने उठा लिया तो ये मुझे मिला कितना, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हुआ। तो 360 डिग्री के मैंने कितने हिस्से किए, 60, और मुझको क्या मिलता है, 1 डिग्री मिलता है। अब इस 1 डिग्री के भी 60 हिस्से कर दीजिए। अब जैसे ही आप 1 डिग्री के भी 60 हिस्से कर दोगे तो फिर उसमें से एक हिस्सा उठाओगे, आप उसको बोलोगे 1 मिनट, तो ये मुझको एक दूसरा हिस्सा मिला और इसको मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट, तो एक अपॉन 1/60 और इसको क्या बोलेंगे हम, 1 मिनट। अब इस 1 मिनट के भी 60 हिस्से कर दोगे आप तो उसको क्या बोलते हैं हम, 1 सेकंड, तो 1 मिनट का 60वां हिस्सा हमने करा उसको कहते हैं हम 1 सेकंड। तो यानी कि 360 डिग्री के 60 हिस्से करे आपको 1 डिग्री मिला, 1 डिग्री के 60 हिस्से करे 1 मिनट मिली, 1 मिनट के भी 60 हिस्से करे तो 1 सेकंड। तो इस तरीके से अगर हम कोण को छोटा करते जाए 1 मिनट के 60 हिस्से कर लेंगे तो हमें ये एक बहुत छोटा सा कोण मिलता है, बहुत ही छोटा सा कोण मिलता है, इसको हम कहते हैं 1 सेकंड, इसको 1 सेकंड कहते हैं। अब देखिए ये पारसेक में क्या इसका रोल है कि 1 सेकंड पारसेक में क्या रोल निभाता है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक आर्क बनाया, ये हमने एक आर्क बनाया और यहाँ पर ये एक लाइन को सीधी ऐसे ड्रॉ करी, तो इस आर्क ने इस बिंदु पर कुछ ना कुछ एंगल को बनाया होगा। अगर हम इस आर्क के दोनों अंतिम बिंदुओं को इस पॉइंट पर लेकर के जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ कोण बनेगा, सपोज दैट ये थीटा बना, ठीक। अगर मैं इस दूरी को और मैं आगे बढ़ा दूंगा तो और फिर यहाँ पर इस बिंदु पर ये वाला आर्क फिर ये कोण बनाएगा, तो ये जो कोण होगा ये बहुत छोटा सा कोण होगा। मान लीजिए ये कोण है आपका 1 डिग्री 1 डिग्री, तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे ये कोण छोटा होता चला जाएगा, फिर यहाँ पर ये जाकर के हमको मिलता है, यहाँ पर ये मान लीजिए 1 मिनट था और ये 1 डिग्री था और यहाँ पर ये और छोटा कोण हो जाएगा, इस कोण को मैंने कहा कि ये 1 मिनट है। तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे कोण की वैल्यू कैसी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। देखो यहाँ पर ये बड़ा कोण है, ये और छोटा कोण हो गया, ये और छोटा कोण हो गया, और दूरी बढ़ाओ तो ये और छोटा कोण हो जाएगा, ये बहुत छोटा सा कोण हो जाएगा। अब हम इसको कह रहे हैं 1 सेकंड, ये 1 सेकंड का कोण बन जाएगा। तो दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कोण की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। और हमारा फॉर्मूला भी यही कहता है, कोण बराबर क्या होता है आपका, चाप बटे त्रिज्या,
यानी कि आप त्रिज्या की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे कोण की वैल्यू छोटी हो जाएगी, उल्टा रिलेशन है एक दूसरे में। तो ये त्रिज्या बढ़ती जा रही है, कौन छोटा होता जा रहा है, कौन छोटा होता जा रहा है। अब हम पार्श्विक की डेफिनेशन बनाना चाहते हैं, तो हमने पार्श्विक की डेफिनेशन देखिए कैसे बनाई। ये हमने एक आर्क लिया और इस आर्क की वैल्यू हमने कितनी रखी, इस आर्क की वैल्यू रखी हमने 1 AU, एक खगोलीय मात्रक, ये जानबूझ करके हमने 1 AU रखी। अब हमने ये एक ऐसे दूरी बनाई, फिर इस वाले बिंदु को यहाँ पर मिला करके देखा, यहाँ पर ये कुछ कोण बना, फिर इसे यहाँ बनाया, यहाँ पर भी कुछ कोण बना, फिर यहाँ मिलाया, यहाँ पर भी कुछ कोण बना। मान लीजिए यहाँ थीटा बनता है, यहाँ 1 degree बनता है, यहाँ 1 minute बनता है। तो ऐसे ऐसे करते 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 हमने बहुत सारे कोण बनाए और यहाँ जा करके हमने देखा कि यहाँ पर जा करके अब जो कोण बन रहा है वो 1 second का कोण बन रहा है। अब 1 second का कोण बन रहा है, कौन बना रहा है ये 1 second का कोण? तो इसका आंसर है, ये जो आपने 1 astronomical आर्क सेलेक्ट किया है, ये इस बिंदु पर जा करके कितना कोण बना रहा है, 1 second। जब ऐसा हो जाए तब ये त्रिज्या आपकी 1 parsec कहलाती है। इस दूरी को हम कहेंगे 1 parsec। तो 1 parsec कब बनता है, जब एक खगोलीय मात्रक का चाप किसी बिंदु पर 1 second का कोण बनाए तो वहां तक की दूरी आपकी 1 parsec कहलाती है। इस दूरी को हम 1 parsec कहते हैं। यह भी दूरी का बहुत बड़ा मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष से भी बहुत बड़ा मात्रक होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस दूरी को हम पार्सेक कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, ये रही आपकी 1 parsec की परिभाषा। अब हम 1 parsec में जानना चाहते हैं कि 1 parsec कितने मीटर से मिलकर के बनता है, तो उसको भी हम याद रखेंगे। एक नंबर है, उस नंबर को भी हम याद रख लेते हैं, तो उसको मैं लिख देता हूँ कि 1 parsec कितना होता है। तो 1 parsec में इतने मीटर्स होते हैं, आप इन मीटर्स को काउंट कर लीजिए, आप अपने आप काउंट करते रहना। तो 1 parsec इज इक्वल टू 3.0 8 × 10^16 meter के बराबर होता है। तो आई होप आप 1 parsec को समझ गए होंगे कि 1 parsec किसको कहते हैं हम। हालांकि हमारे लंबाई के बड़े मात्रक और भी है बहुत सारे, जैसे कि फीट होता है, इंच होता है, और भी बहुत सारे मात्रक है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते रहते हैं, उनको भी मैं लिख देता हूँ। एक और है, उससे पहले हम प्रकाश वर्ष और पार्सेक में संबंध बनाना चाहते हैं, तो लिखना चाहते हैं कि 1 parsec वे प्रकाश वर्ष, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 parsec में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो आप लिखोगे 1 parsec में 3.28 लाइट ईयर होते हैं, इतने प्रकाश वर्ष होते हैं। इसको हम सोल्व करके भी बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से कि 1 parsec के में कितने लाइट ईयर कैसे बनते हैं। तो लेकिन वैसे हम डायरेक्टली इसको याद रख लेंगे। अगर आपको फिर भी समझना है कि 1 parsec में 1 light year कैसे बनते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि 1 parsec में 1 light year 3.28 light year कैसे बने। तो ये हमारे कुछ लंबाई के बड़े मात्रक रहे। अब हम लंबाई के छोटे मात्रक पढ़ेंगे, फिर द्रव्यमान के मात्रक पढ़ेंगे कि द्रव्यमान के कौन कौन से मात्रक होते हैं। अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।